हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू अवेयर दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड एवरीबडी इज लर्निंग द कंप्यूटर एंड अदर सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल्स और यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर COVID-19 so that you can safe, you have to become a safe person. Okay students, right now let me introduce myself. My name is Virendra and I am your information technology teacher, and today we are going to have the topic user defined methods. You know that unit number 3, that is fundamentals of Java programming, that's a very very important chapter for you, and this chapter having a lots of things, because in Java programming you are just going to create your own app, your own software. Okay, so that Java programming is a very much necessary for you. Okay, so class 12th students, let's have to have this class. And before starting the class, I just want to give you a warm welcome to my YouTube channel. And in today's class, just we have the explanation about user defined data types. Okay, so पहले हम ये समझते हैं कि data types की user defined methods, data types नहीं user defined methods, ये होते क्या हैं. Okay, so सबसे पहले मैं describe कर देता हूँ मैं कि मेथड्स होता क्या है. व्हाट इज मेथड्स, मेथड्स होता क्या है. जैसे कि आप देखते होंगे कि जावा प्रोग्राम बनाते हैं, हर जावा प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है. ठीक है, किस तरीके का मेन फंक्शन? आप अपने मेन फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप मेन ब्रैकेट लगाते हैं, आप फिर लिखते हैं स्ट्रिंग ब्रैकेट, और इसके बाद यहां लिख देते हैं args. ये जो आप देख रहे हैं आप, ये एक मेन फंक्शन है. क्यों इसके मैं ज्यादा इंफोसाइज कर रहा हूं मैं? कारण ये है कि मेन फंक्शन से ही कंपाइलर अपने एग्जीक्यूशन को, अपने स्टेप्स को रीड करना, स्कैन करना स्टार्ट करता है. सो मेन फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो दिस मेन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेथड. इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेन मेथड्स, main method, right? So right now this method is predefined. This method is predefined. Okay, and who has defined it is pre, means it is who has the person is defined the this main method as a predefined Java developer. The person who has developed the Java, okay, who that person is defined as a predefined method. So यहां पर हमारा जो सारा ध्यान होगा वो होगा यूजर डिफाइंड पर, कि आप कुछ टास्क करना चाहते हैं. आप जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि a प्लस बी दो नंबर को जोड़ दीजिए आप. अब दो नंबर जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? दो नंबर जोड़ने के लिए लिखेंगे आप int a, b, फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर एक और वेरिएबल लेंगे, यहां पर आप लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, फिर इसके बाद लिखेंगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख देंगे यहां पर प्लस c सेमीकोलन. आपको यहां पर तीन लाइन लिखनी होगी यहां पर, और यहां पर यूजर की हेल्प से आपको इनपुट भी कराना पड़ेगा. अदरवाइज आपको यहां पर a इक्वल टू कुछ नंबर आपको डिफाइन करना होगा, b इक्वल टू कुछ नंबर डिफाइन करना होगा, उसके बाद वही नंबर वो जोड़ के दे देगा. ये काम करना है. अब सोचिए, इस काम करने के लिए सोचिए, अगर मैंने एक छोटा सा यूजर डिफाइंड मेथड को क्रिएट कर दिया, तो मेथड को क्रिएट करने के बाद आपका काम और भी आसान हो जाएगा. यस, और भी आसान हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए कि मेथड्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम किस तरह, क्या सिंटेक्स है इसका, इसकी बारीकियां क्या है, व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर दैट,
okay, for user defined method, we are just coming to the our Java NetBeans screen, and here I will just give you each and everything live practical demonstration for that. So don't skip any part of the video. Watch the full video, and after watching the video, give your comments, give your feedback. Okay, so whatever the mistake, whatever the things I have done wrong, I will just make a correction in the next video, right? So one more thing I just want to say you, that please don't forget to press the bell icon. After subscribing, you have to press the bell icon, which is appear in red in color. Okay, this gives you the update or notification to on your mobile that I have uploaded a new video for you. Okay, so what are you waiting for? Please come to my laptop, okay, so that I can just give you the live demonstration in Java NetBeans. Please come. Okay students, so I'm going to start the class. As you know that today we are going to run a new topic. The topic name is user defined methods. This is the topic we'll run in this class. So how we are going to use that, and what is the necessity for this user defined data, user defined methods? कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स को क्यों यूज़ करते हैं हम. ओके, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द यूज़र डिफाइंड मेथड बाय टेकिंग द एग्जांपल, एंड वील हैव द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द प्रैक्टिकल्स फॉर योर जावा प्रोग्रामिंग, राइट? सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. And first of all, we are going to have what is user defined methods, right? Okay, so right now this is your definition. User defined method is just a block of a statement, and that block of a statement are grouped together to perform the specific task. मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ टास्क आपको करना है, तो आपने क्या किया, उस टास्क को एक मेथड आपने बना लिया. उस टास्क में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपने उसके अंदर कंबाइन कर दिया. अब आपने क्या किया, जब भी उस टास्क को करना है तो केवल आपने उस टास्क के नाम को कॉल कर लिया आपने, और जब आपने उसको कॉल किया इमिडिएटली वो टास्क आपका परफॉर्म हो गया. मतलब क्या हुआ कि बार बार उस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बार बार उस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? तो आप डेफिनेशन समझिए पहले. आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेथड एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें कि सारे स्टेटमेंट को ग्रुप कर दिया गया है इसलिए ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ को, हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छी तरीके से देखेंगे. और फिलहाल हम बात करते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या है. आपको सिंटेक्स यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा सिंटेक्स, ये आपका सिंटेक्स है. सबसे पहले रिटर्न्ड टाइप लिखेंगे आप कि रिटर्न टाइप जो उसका क्या है, ठीक है? उसके बाद मेथड नेम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके बीच में लिखेंगे पैरामीटर्स को पास करेंगे, और पैरामीटर्स को जब पास करेंगे तो कॉमा से आप उसको सेपरेट करेंगे. आप कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और उन दोनों के बीच में जो भी आपके रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं या स्टेटमेंट हैं उसको हम लिखेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स को या जिन लेटर्स को आप लेना चाहते हैं, जिन टास्क को आप लेना चाहते हैं, उसको उस आर्गुमेंट्स को वहाँ पे आपने पास कर दिया आपने, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान देना है, आपको मेन चीज़ यह ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड मेथड, मतलब यूज़र मेथड्स को खुद डिफाइन कर रहा है अपने टास्क को करने के लिए, अपने टास्क को आसान बनाने के लिए. ऐसे ही आपका मेन मेथड होता है, तो मेन मेथड आपको पहले से पता है कि यहाँ पर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको लिखना होता है. क्यों लिखना होता है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मेथड, प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने टास्क को करते हैं आप,
आप जो भी टास्क देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं आप मेन मेथड के बाद ही लिखते हैं आप, तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेथड जो है आपका मेन मेथड से पहले आपको लिखना होगा ये, और मेन फंक्शन के बाद इस मेथड के नाम को केवल हम कॉल कर लेंगे हम, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं यहां पर, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पर पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन एआरजीएस, ठीक है, ये तो मेन मेथड है ये, ठीक है। और मेन मेथड में आपके यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है। तो अब आपका इस स्टेटमेंट में जो यूजर डिफाइंड मेथड है वो आपका ये है रेक्टेंगल एरिया, और इसमें दो आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि इसकी शुरुआत हम कैसे करें, प्रोग्राम बनाने की जो शुरुआत है वो हम कैसे करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहूँगा आपको मैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, और अब हम जो है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे हम, और उस प्रोग्राम बना करके ये समझ लेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम। स्टूडेंट्स जस्ट बी पेशेंस, आई एम ट्राइंग टू स्क्रॉल डाउन सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ प्रॉपर एक्टिविटी हियर। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ दिस इज योर डेटा, मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा था मैं। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, आप यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर डबल, डबल तो एक डेटा टाइप है, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा आपने डबल लेंथ कॉमा डबल ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आपने लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब सीधे अब हम चलने जा रहे हैं अपने जावा नेटबीन्स के स्क्रीन पर, और वहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए, सो ये मेरे टास्क बार में मैंने पिन कर रखा था, इमिडिएटली ये ओपन हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपके प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर जावा एप्लीकेशन 7 है, यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट का नाम है ये, इसके अंदर ढेर सारे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम्स बना रखे हैं यहाँ पर। तो अभी हम चूंकि एक सैम्पल ले एक छोटा सा प्रोग्राम समझेंगे हम, सो इसके लिए हम एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, फिर न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद जावा क्लास पे जाएंगे। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, और इस विंडो में अब आपको यहाँ पर क्लास का नाम देना है, फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपका वहाँ पर जो कोड है, जो एक लाइन का कोड है, वो आपका आ जाएगा, केवल क्लास इसमें क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी। तो जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट का नाम, जो फाइल का नाम रखा है, उसी नाम से ये आपका क्लास बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है यहाँ पर। चलिए ये एक ब्लैंक आपका खुल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ लिखेंगे पब्लिक, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या होगा, जिस नाम से आपने डिक्लेयर कर रखा मेथड्स। फिर इसके बाद इंटर, इंटर के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे आप, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप यहां पर इसके बीच में अब आप मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी मेन फंक्शन की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम प्रोग्राम को समझते हैं हम किस तरीके से करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं कि एक हम यूजर डिफाइंड मेथड्स को क्रिएट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, पहले लिखा है मैंने पब्लिक स्टैटिक वर्ड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड। और सपोज करिए मुझे ऐड करना है, तो मैंने ऐड के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पर एक मेथड बना दिया,
मेथड और फंक्शन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, पैरेथिसिस का यूज करेंगे और इसके अंदर आर्गुमेंट्स को पास करेंगे। तो आपको याद होगा ऐड करने के लिए दो नंबर की जरूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर इंट ए और दूसरा मैंने ले लिया इंट बी। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन किया यहाँ पर इस तरीके से और क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में अब आपको स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप इसको हम देख लेते हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम पास करेंगे। हम आपको जब काम है वो काम हम यहां पे करना चाहेंगे। आप किस तरीके से, आपने यहां लिखा शाउट और यहां पर ऐसे प्रेस कर दिया, टैब पे आपने प्रेस किया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं एस ओ यू टी ये आपने छोटे लेटर में टाइप किया और आपने टैब किया, ये आपका अपने आप आ गया। अब आप यहां पर लिख सकते हैं आप द एडिशन इज यहां पर इक्वल टू और थोड़ा सा आगे आएंगे और यहां पर लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और इसके बाद एंटर कर देंगे हम। अब आप यहां पे जो भी कुछ आप देख रहे हैं, आप ये जितना भी कुछ आपने देखा है, ये आपने देखा कि एक यहां पर केवल क्लास क्रिएट की गई और उसके अंदर यूजर डिफाइंड मेथड को क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। अब मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर है यहां पर, देख लेता हूं यहां पर क्या एरर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहां पर मेन फंक्शन को लिखेंगे। मेन फंक्शन का एक शॉर्टकट है पी एस वी एम, उसके बाद टैब प्रेस कर देंगे। एक बार फिर से पी एस वी एम टैब, चलिए कोई बात नहीं, ये हो नहीं रहा है फिलहाल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब मेन के अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ए आर जी एस और यहां पर ये ब्रैकेट। इसके बाद अब आपने लगाया कर्ली ब्रैकेट। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पर, यहां पर अब मेन फंक्शन में आपको यहां पे कॉल करना है आपको कि आपको जरूरत किस चीज की है, क्या करवाना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स राइट नाउ आई हैव मेड सम करेक्शंस हियर, ओके। सो व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट यूजर डिफाइंड डेटा यूजर डिफाइंड मेथड्स इज डिक्लेयर्ड हियर एंड इट इज रिटन हियर इंट ए इंट बी, दीज आर द टू पैरामीटर्स विच इज पास्ड इन एड मेथड्स, राइट। एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जस्ट वॉट आई नीड टू परफॉर्म हियर, आई हैव टू जस्ट राइट द स्टेटमेंट हियर, तो ए प्लस बी मुझे ऐड करना है तो मैंने ए प्लस बी यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू बी। फिर आपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में एस कैपिटल होगा और ये आपका ब्रैकेट यूज होगा ए आर जी एस ब्रैकेट क्लोज और हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम ऐड और यहाँ पर जो वैल्यू आप पास करेंगे यहाँ पर जिस वैल्यू को आप इंटर करेंगे वही यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं और आपको मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है यहाँ पर। चलिए मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल, देखिए राइट साइड में देखिए इसका जो आंसर आया हुआ है 99 इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। सो ये जो आपने देखा है यहाँ पर कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक यूजर डिफाइंड मेथड्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेन फंक्शन से पहले आप यहाँ पर फंक्शंस को क्रिएट करिएगा, मेथड्स को क्रिएट करिएगा और उसके बाद अब आप उसको जो है आप कॉल करिएगा आप मेन फंक्शन के बाद। तो यहाँ पर जो कॉलिंग फंक्शन है वो ये है जो आपको मेन फंक्शन से डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पर जो ऐड है आपने ये कॉल्ड फंक्शन है ये जिसको आप कॉल कर चुके हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ
अब हम करते हैं एक और प्रोग्राम, ठीक है। इसी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्ड हटा दिया, वर्ड लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा इंट, ठीक है, यानी जो ऐड जो रिजल्ट हमें देगा वो इंट डेटा टाइप में देगा वो, ठीक है। इसके बाद जब इंट हमारा डेटा टाइप में आ जाएगा, अब हम यहाँ पर इतने प्रोग्राम को रन करके हम देखेंगे कि इतने करने से क्या फ़र्क पड़ता है। कि अभी तक void जो आपने कीवर्ड यूज़ किया था, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। आप यहाँ पर सेंटेंसेस वगैरह रिटर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आप क्या करिए यहाँ पर कि अब आप यहाँ पर इसको आप रन करिए और रन करके देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है। राइट क्लिक किया, रन फाइल पे गया, देखिए कुछ एरर है यहाँ पर, फिर भी रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए ये एरर आ गया यहाँ पर। तो यही चीज़ मुझे आपको समझाना था यहाँ पर कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड जो मैंने लिखा था कि कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, उसके लिए लगाया था यहाँ पर वर्ड, मतलब कि नल वैल्यू रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे आप, ओके। चलिए अब मैं इसी के आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ व्हाट चेंजेस वी आर गोइंग टू मेक, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस वन। आई हैव रिटन हियर रिटर्न, ओके। क्या लिखा मैंने, रिटर्न आर ई, उसके बाद टी यू आर एन, उसके बाद आपने जो ऑपरेशन आप कराना चाहें वो आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है कि हम किस तरीके से आउटपुट लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऐड फंक्शन है यहाँ पर इसको हम किसी चीज़ में स्टोर कर लेंगे, हम इस मेथड को, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं हम इसको स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं वो हम कई तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले जो आपने देखा वो आपने देखा कि आपका मेथड नंबर वन आपने देखा, जिसमें आपने पब्लिक स्टैटिक void का यूज़ किया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, void को आपने हटा दिया, ठीक है। मेथड टू में क्या किया, void को हटा दिया और वहाँ पर आपने एक डेटा टाइप को यूज़ कर लिया, ठीक है। और अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। अब एक तो आपने word हटा दिया, अब आपको उस मेथड के अंदर एक रिटर्न जो हमारा आपका कीवर्ड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। और मेन फंक्शन के अंदर अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस ऐड मेथड को किसी वैल्यू में, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। सपोज करिए मैंने ले लिया यहां पर एरिया इक्वल टू, और इसका मैंने डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर कर दिया यहां पर। जब मैंने यहां डेटा टाइप डिक्लेयर किया, तो डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद अब आपका यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम देखते हैं किस तरह से आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट ले लेंगे हम, ठीक है। द एडिशन इज यहां इक्वल टू लिख देते हैं और प्लस एरिया, और यहां हमने लिख दिया प्लस एरिया। तो अभी भी आपका यहां पर छोटी सी अभी एक प्रॉब्लम है एक, ठीक है। आपको यहां पर जो एरिया कीवर्ड, जो एरिया आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें आपको एक छोटा सा चेंजेस करना है। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्या चेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको आपको दो लाइनों में आपको लिखना होगा इस तरीके से, इक्वल टू ज़ीरो किया और यहाँ हो गया सेमी कॉलन, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं एरिया, यहाँ पर अब आप एरिया लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपने जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, किस तरीके से आउटपुट आपको मिलेगा। राइट क्लिक करिए, रन फाइल पे जाइए आप, और अब आप थोड़ा सा वेट करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। अभी भी कुछ एरर्स वगैरह हैं, इसको हम रन करते हैं हम, देखिए अभी भी आपका ये एरर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं इमिडिएटली आपको भी इस तरह की एरर्स से दूर, आपको दूर रहना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे लाइव करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू मेक द करेक्शन।
सो स्टूडेंट्स द एरर विल बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग दिस थिंग ओनली. ओके जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर बिकॉज नो नीड टू डिक्लेयर जीरो फॉर एरिया वेरिएबल राइट. नंबर वन. नंबर टू इफ यू सी हियर द इक्वल टू इज देयर आफ्टर द इन्वर्टेड कॉमास. ओके दिस इज द एरर. ओके सो जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड पुट द इक्वल टू हियर राइट. सी नो एरर इज कमिंग. नाउ इज टाइम टू रन. राइट क्लिक रन फाइल. लेट्स वेट. सी द रिजल्ट इज केम ऑन द राइट साइड. द एडिशन इज 99. ओके सो दिस इज द वे टू क्रिएट योर यूजर डिफाइंड मेथड. ऑलवेज रिमेंबर क्रिएट योर यूजर डिफाइंड मेथड बिफोर द मेन फंक्शन राइट. एंड नंबर टू व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो प्लीज इंश्योर दैट ओके यू हैव टू फॉलो द सिंटैक्स. सो आई हैव गिवन यू टू मेथड्स. नंबर वन इन द फर्स्ट मेथड वर्ड इज देयर and in the second method void is removed right. So whatever the changes is came okay then you have to observe it carefully and try to implement in your programs right. So let's try one more thing. Suppose if you want to have a multiplication regarding this, so what changes you have to make. Suppose I have written here multiply right and then after here you have to change the operator here. Okay operator is changed now. So only you have made the change, you have made the changes in the function right. Now in the main in the after the main function what you need to do, first of all just change the variable name here. Suppose you have already tried to add the number right. So just write here add or any variable just you want. Suppose I have written AD right. So you have to make changes here AD and also make changes here AD right. And after this what is this, this is not in this the incorrect name. You have to change the name of user defined methods right. Now finally all the changes have been made and now it's time to run the program. So right click and after right click you have to run file and just wait for the result. See the result 2420, this is the result right. So students I hope you have able to understand that how to create your user defined data type. Okay so make sure that when you're talking about the user defined data type, so it is nothing but it's a block or a statement which is grouped together to perform the any kind of specific task right. So you have to follow the syntax, what are the rules and regulation in there, you have to strictly follow right. So students I hope you have understood each and everything what I am trying to give you in this video. Okay, आप इस वीडियो में यूजर डिफाइंड मेथड को समझ जाएंगे आप और इससे जस्ट पहले की वीडियो में आपने एरे को समझा. एरे से पहले आपने रिपीटेटिव स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर ठीक है कुछ डेटा टाइप्स ओके इन सब चीजों को बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे हैं आप. लेकिन ध्यान रहे यूजर डिफाइंड डेटा के बाद जो आप मेथड्स आप आज पढ़ रहे हैं आफ्टर दिस वीडियो विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा. आप सभी को पता है कि यह हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसका जो असली कॉन्सेप्ट है वो अब स्टार्ट होगा ठीक है अगले वीडियो से. सो आप अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके. और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग द अदर वीडियोज सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओके. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच.